दोस्तों आज हम आपको लेकर चल रहे हैं बाबा धनसर के स्थान पर, जो कि हैं शेषनाग के अवतार। बाबा धनसर भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य के रियासी जिले में स्थित एक हिंदू तीर्थ स्थान है और एक करुआ गांव में रियासी से 17 किलोमीटर की दूरी पर एक झील के किनारे है। शांत और निर्मल करुआ झील के निकट स्थित बाबा धनसर कटरा के निकट पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है और यहाँ पर शिव जी की गुफा का मंदिर और एक बहुत ही सुंदर सा झरना है जो चट्टानों में से निकल कर घने जंगलों में गिरता है। और हम पहुँच गए उस स्थान पर जहाँ पर है पार्किंग और यहाँ से ये जो सामने आपको रास्ता दिखाई दे रहा है, यहाँ से नीचे उतर कर हम पहुँचेंगे बाबा धनसर जी के स्थान पर। और जहाँ पर उतरने के लिए दोस्तों बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं, तो उन सीढ़ियों से होते हुए हम उतर रहे हैं नीचे और आपको दिखाते हैं एक स्वर्ग जैसा सुंदर स्थान जो देख के आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। तो एक बार तो मैंने छीन लिया उससे, तो मैंने कहा नहीं यार, थोड़ा मजबूत होगा, फिर मैं कहा ले ले, घबराने की जरूरत नहीं है, वापसी में चढ़ाएंगे। ये बच्चे लोग भी बहुत खुश हैं यहाँ आकर, देखिए कितने खुश हो रहे हैं। ये क्या है भैया? ये मैम कचालू होते हैं, इसकी चाट बनाते हैं। उबाल के बनाते हैं, बहुत बढ़िया होती है, आते वक्त खाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर सीढ़ियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं उतरने के लिए, तो अभी उतरते हुए तो हमें इतना पता नहीं चल रहा, लेकिन जब वापसी में चढ़ाई करेंगे तो निश्चय ही थोड़ा सा थकान लगेगी क्योंकि काफ़ी स्ट्रेट सीढ़ियाँ हैं यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर लेफ्ट साइड में जूते चप्पल उतारने की जगह बनी हुई है, तो यहाँ पर जूते चप्पल उतार कर हम चलेंगे सामने। और सामने ही बिल्कुल फ्रंट पर एक रेड कलर का लाल रंग का आपको एक बोर्ड दिखाई दे रहा होगा ऊपर, उस बोर्ड पर लिखा हुआ है कुछ, देखते हैं क्या लिखा है इस पर। और इस पर लिखा है कि श्री बाबा धनसर ट्रस्ट कारुआ बाबा जी के दरबार में यात्रियों का हार्दिक अभिनंदन करता है। और राइट साइड में एरो बना है, तो मेन एंट्री जो है वो यहाँ से है, तो यहाँ से चलते हैं हम, एक ब्रिज पे पहुँचते हैं और यहाँ से बाबा जी का मेन आश्रम जो वो शुरू हो जाता है। देखिए तो बाबा धनसर व शिव गुफा, राम ही राम। और यहाँ पर लिखा है मंदिर के अंदर बाबा धनसर जी की गहरी झील में नहाना मना है, यहाँ पर दारू पीना सख्त मना है, कृपया सफाई का ध्यान रखें, कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें। यहाँ पर मेन गेट के अंदर सिगरेट पीना और गुटखा खाने वाले को 500 रुपये का जुर्माना। और अब हम चलते हैं इस मुख्य द्वार से अंदर। और दोस्तों यहाँ की पौराणिक कथा के बारे में अगर हम बात करें तो बताया जाता है कि जब भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती को अमरता की कहानी सुनाने अमरनाथ गुफा गए तो अनंतनाग में अपने सर्प राजा शेषनाग को छोड़ दिया। शेषनाग मनुष्य रूप में वासुदेव के नाम से प्रकट हुए और उनके पुत्र का नाम था धनसर। और दोस्तों आपको ये जो सामने दिखाई दे रही हैं शिलाएं, ये जो पत्थर रखे हुए हैं, इनके बारे में बताया जाता है कि जो यहाँ पे पुजारी होते हैं, उनका जो बड़ा पुत्र होता है, जो भी आज तक यहाँ पे पूजा करते आए हैं, उनके चित्र इन पत्थरों पर अंकित हैं। तो ये सारे पत्थर जैसे जैसे पुजारी यहाँ के चेंज होते रहते, बढ़ते रहते हैं पुत्र के पुत्र के पुत्र, तो उस तरीके से शिलाओं पर उनकी जो आकृतियाँ हैं वो अंकित रहती हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया कि शेषनाग जी जो थे वो मनुष्य रूप में वासुदेव के नाम से प्रकट हुए और उनके पुत्र का नाम था धनसर। उस समय करुआ झील में एक राक्षस रहता था जो करुआ निवासियों पर बहुत अत्याचार करता था और गांव वाले बाबा धनसर से सहायता मांगने आए। बाबा धनसर ने शिव जी का ध्यान लगाया जिससे शिव जी आए और उन्होंने राक्षसों का वध किया। आज करुआ झील पर बाबा धनसर जी का मंदिर है जहाँ पर हम आपको दर्शन कराएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको यहाँ की जो झील है उसके दर्शन कराते हैं, फिर उसके बाद इस मंदिर के अंदर चलेंगे। आप पहले इस झील को देखिए, उसके बाद हम आपको इस झील के बारे में थोड़ी सी कहानी बताएंगे। दोस्तों इस झील के अंदर साक्षात शेषनाग वासुकी विराजमान है और कभी कभी इस झील के स्वच्छ जल में नागों की आकृति भी दिखाई देती है। और अब हम चलते हैं दोस्तों मंदिर के अंदर जहाँ पर करते थे हमारे धनसर बाबा जी तपस्या। हमने बड़ी पिंडी है बाबा धनसर जी, साथ में छोटी पिंडी है काली माता जी। बाबा धनसर जी शेषनाग के राजा वासु की नाथ जी के बेटे हैं, भोले बाबा जी के कारण साहब सत्या के थे भोले बाबा जी। भोले बाबा जी ने प्रसन्न से बाबा जी को दर्शन दिए थे, आशीर्वाद लेकर नाथ के सामने गुफा में पूरे परिवार के बाद
बाबा जी बहुत ही दयालु हैं, बाबा जी के दरवाजे पे खाली हाथ में जाते हैं, बाबा जी सबकी मुरादें पूरी करते हैं। बड़े बाबा दुर्गा जी की सच्चे दरबार की, मतलब शिव जी ने बाबा जी की तस्वीर दी है। और बाबा जी जो है वो शेषनाग के अवतार, शेषनाग। तो ये जो शिव जी जी है और बाबा धनसर जी, ये पिंडी रूप में दर्शन बाबा जी, ये पिंडी रूप में बाबा जी है, क्योंकि शिव जी और ऊपर ये शिव जी तो नहीं, नाग का रूप है, गुफा है ना पीछे, उसमें शिव परिवार है। ये भी और ये सब क्या बने, ये बाबा जी की तरह सारी बाबा जी के कुल का होगा, एक मूर्ति बड़े बेटे के। दोस्तों, झील के पानी का शोर इतना ज़्यादा था कि पंडित जी की आवाज़ शायद आपको समझ नहीं आई होगी ठीक से, लेकिन उन्होंने वही पूरी कहानी बताई जो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। और उन्होंने ये भी बताया है कि यहाँ पर श्रद्धालुओं की बहुत भीड़ रहती है और यहाँ पर महाशिवरात्रि को बहुत अच्छा सा मेला लगता है। और जो झील का जो जल है इसमें स्नान करना वर्जित है, लेकिन यहाँ से धारा एक बाहर निकल के जाती है, वहाँ पर आप स्नान कर सकते हैं। और दोस्तों, अब हम आपको लेकर चलेंगे उस गुफा के अंदर, जिस जगह पर भगवान शिव ने दिए थे दर्शन बाबा जी को, और फिर बाबा जी के आग्रह पर शिव जी वहाँ पर लिंग के रूप में स्थापित हो गए। हरे हरे शंभु 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 महादेवा, शंभु 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 दोस्तों, ऐसे स्वर्ग जैसे स्थान पर आपका ना नाचने का मन करने लगेगा। चारों तरफ हरियाली, जल, शिव जी की उपस्थिति, इतना सुंदर वातावरण, इतना अच्छा वातावरण कि आप यहाँ आएंगे ना तो बस आप यहीं के हो जाएंगे, मेरा पूरा विश्वास है। बहुत ही अच्छी जगह है, आप एक बार यहाँ पर जरूर आइएगा। और दोस्तों, अब हम आपको दिखाएंगे चिनाब नदी। और दोस्तों, जब बाबा धनसर से शिव खोड़ी की तरफ जाते हैं तो रास्ते में लगभग 10-15 मिनट बाद ही पड़ती है चिनाब नदी, और चिनाब नदी में कराई जाती है राफ्टिंग। तो हम चलते हैं, जरा आपको चिनाब नदी के भी दर्शन कराएंगे और वहां पे राफ्टिंग का क्या हिसाब किताब रहता है वो भी हम आपको बताते हुए चलते हैं। और यहां से हम पहुंच रहे हैं अब शिव खोड़ी की तरफ, और शिव खोड़ी का वीडियो तो हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, आप देख ही चुके होंगे क्या बढ़िया दर्शन है वहाँ शिव जी के। और ये हम पहुँच गए हैं दोस्तों चिनाब नदी की तरफ, और यहाँ के पुल से ही आपको पूरी चिनाब नदी दिखाई देगी। बंद हो जाएगी कितने बजे से कितने बजे तक? 3 बजे तक रहता है।
किस नाम से आपकी राफ्टिंग का? ये इको एडवेंचर। कितने लेते पैसे आप? 500 रुपए पर बंदा, 1.5 किलोमीटर का, उसमें आना जाना गाड़ी सब मिलता। वो देखो ना कितने लोग जा रहे हैं। इसके क्या प्राइस क्या है? 1317। हाँ जी, पैसे कितने लगते हैं? 3 किलोमीटर का 500 रुपए पर, 1.5 किलोमीटर का 500। एक हट्टे में कितने लोग को बिठाते हैं साथ? एक बोट में 8 से 10 लोग बैठते हैं। आधा घंटा लगेगा, कर लो, मौज आएगी। तो इस राफ्टिंग वाले का बोलने का अंदाज बहुत बढ़िया था, कह रहा कर लो मौज आएगी। भाई मौज तो हमें वैसे ही दर्शन करके बहुत आ गई, बाबा धनसर के दर्शन करके, और इतनी सुंदर चिनाब नदी को देखते हुए हम शिवपुरी की तरफ जा रहे हैं। और दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है आपको ये दर्शन बहुत अच्छे लगे होंगे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये दर्शन अच्छे लगे हों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपको एक नए मंदिर के साथ, नई जगह के साथ, नई कहानी के साथ। बने रहिए ड्रॉप आउट ब्रह्मांड में, और अपना प्यार यूं ही देते रहिए। ओम नमः शिवाय, हर हर शंभु, जय भोलेनाथ।